हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग गाइस। आज मैं फिर से ना आप सबके लिए एक मॉडिफाइड कार की वीडियो लेकर गाइस। ये वन ऑफ वन मेरी फेवरेट आर्टिकल्स में से एक होगी गाइस। आज मैं बैठा हूँ एक कस्टमाइज हाईली, मतलब ये कार के लिए कोई वर्ड ही नहीं है गाइस कि आज तक मैंने इतनी हाईली इम्प्रेसिव, मतलब कोई भी देखेगा तो इससे प्यार कर बैठेगा गाइस। ये है 2020 अर्टिगा वीएक्स सीएनजी मॉडल, एक बेस मॉडल आई थी एमरेल में एट गुरु कृपा मोटर्स वाशी। अगर आपने नाम नहीं सुने तो गाइस लोकेशन ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड एट शॉप आई विल पुट इट डाउन इन डिस्क्रिप्शन बिलो, प्लीज चेक इट आउट गाइस। इसके अंदर जो इंटीरियर से एक्सटीरियर मतलब कितनी भी मॉडिफिकेशन की है ना, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा गाइस। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि मेरी एक्साइटमेंट ज़्यादा ही बढ़ रही है गाइस ये कार को लेकर। मैं सोच रहा हूँ घर लेके चले जाऊँ। और गाइस ये कार की एक जो हमने स्पेशल चीज़ लगाई आपको, अगर थोड़ी सी लाइट वेट दिखती रहेगी उसके लिए गाइस लास्ट तक वेट कीजिए, क्योंकि सफ़र का फल मीठा होता है और ये तो कुछ ज़्यादा ही मीठा आने वाला है गाइस। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों अभी हम स्टार्ट करते हैं कार के फ्रंट से। LED HID लगाई है हमने इसके हेडलाइट्स में, आप जैसे कि देख सकते हो काफ़ी अच्छी लग रही है गाइस। कंपेरेटिवली अदर हेडलाइट्स गाइस HID लगाना काफ़ी अच्छा होता है, आप जैसे कि इसका फोकस देख सकते हो अपर डिपर पे काफ़ी अच्छी लग रही है। नीचे की तरफ में हमने नॉर्मली एक येलो LED फॉग लैंप इंस्टॉल किया है, जिसका काफ़ी अच्छा फोकस आ जाता है रोड पर, आप जैसे कि देख सकते हो। ऑल्सो फ्रेंड्स इस पर हमने फॉग लैंप DRL इंस्टॉल किया है, आप इसकी फिनिशिंग कटआउट फिटिंग काफ़ी अच्छी लग रही है गाइस। अब अभी देख रहे लोगे कि थोड़ा बहुत येलोइश दिख रहा है, बट गाइस ये व्हाइट में आता है, कॉन्ट्रास्ट की वजह से प्रॉपरली कैच नहीं हो रहा है गाइस। ऑल्सो इस पर हमने इंडिकेटर्स इंस्टॉल किया, अभी आपको मैं ब्राइटनेस कम करके इसका विजन दिखाता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है नाइट टाइम में। देन फ्रेंड्स कार की साइड पे आते हैं, इसमें हमने फुल बॉडी क्रोम किट इंस्टॉल किया, आप जैसे कि देख सकते हो विंडो गार्निश क्रोम एज वेल एज हैंडल माउंट क्रोम, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है गाइस। देन ऊपर की साइड पे हमने इस पर रेन वाइजर लगाए जो कि ऑल द वे बैक तक जाते हैं। कार के इंटीरियर में पैसेंजर साइड के डोर पैनल पे हमने लगाया है वुडन ग्लॉस किट, आप जैसे कि देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है गाइस। ऑल्सो फ्रेंड्स इसके बॉटल होल्डर में हमने LED लाइट्स इंस्टॉल की जो कि कलर वाइज अकॉर्डिंग टू मोबाइल चेंज करती है। देन दोस्तों इस पे हमने आफ्टर मार्केट सीट कवर्स इंस्टॉल किए जो कि स्पेशल सीट कवर्स में से एक आते हैं, टू टोन ब्लैक प्लस क्रीम डायमंड कट पैटर्न में एज वेल एज नेक रेस्ट के साथ, काफ़ी ज़्यादा अच्छी और कंफर्टेबल सीट कवर्स है। फ्लोरिंग पे हमने बेज लैमिनेशन किए है, नीचे हमने ग्रास मैटिंग लगाई है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है अलॉन्ग विथ फुट स्टेप लाइट्स। और गाइस इसमें हमने अर्टिगा की ब्लू एल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट इंस्टॉल की है। देन दोस्तों इसके रूफ टॉप पे हमने गोफार एमटेक कंपनी का बॉडी कलर, हमने इस पर रूफ कैरी इंस्टॉल किया, आप इसे देख सकते हो ब्लैक पाउडर कोटेड विथ रेल्स, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है गाइस।
देन इस पर हमने रू स्पॉलर इंस्टॉल किया, एक्सटेंडेड वाला बॉडी कलर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अलॉन्ग विद पिलर LED लाइट्स, टेल लाइट क्रोम, एज वेल एज इस पर हमने ट्रंक यू क्रोम लगाया है। और गाइस नीचे के साइड पे हमने रेयर रिफ्लेक्टर लाइट्स इंस्टॉल की है, रेड LED में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। देन इस पर हमने LED स्क्रीन इंस्टॉल की जो कि टच स्क्रीन आती है अलॉन्ग विथ FHD AMOLED डिस्प्ले, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और ये कार को काफ़ी अच्छा स्पेशल बना देता है गाइस। आप इसे कह सकते हैं कि कार जेट ऑन व्हील्स है, क्योंकि आपको एरोप्लेन में जो कितने फीचर्स रहते हैं वो सब ये कार में मिल जाते हैं ड्यू टू दिस स्क्रीन गाइस, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। एक और बार सीट कवर की तरफ में आ जाते हैं गाइस, सीट कवर 2-tone पैटर्न में डायमंड कट पैटर्न में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। ऑल्सो दोस्तों इस पर हमने हैंड स्टिच्ड कस्टम स्टेयरिंग कवर लगाया है। दोस्तों अभी आपने देखा कि मैंने कार का एक्सटीरियर इंटीरियर आपको ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में बताया, बट गाइस एक चीज अब मैंने मिस कर दी गाइस आप सबके लिए, और मैं लास्ट तक आप सबके लिए रुका के रखा, वो है एम्बिएंट लाइटिंग ये कार पे। अभी करेंटली ये रेड में ऑन है, मैं आपको वाइड एंगल में दिखाऊंगा फुल सेटअप इसका, इवन गाइस ये आता है मोबाइल ऑपरेटेड, ईच एंड एवरीथिंग आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, तो गाइस चलिए देखते हैं। दोस्तों अभी आप देख सकते हो लाइट करेंटली वाइड पे ऑन है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, ये चारों डोर्स पे आता है, जैसे पीछे भी देख सकते हो गाइस ये साइड पे और ये साइड पे, इवन गाइस इधर नीचे जो बॉटल होल्डर है था उसमें भी लगाई है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है लाइट, आप जैसे कि देख सकते हो गाइस। अभी ये वाइट पे ऑन है करेंटली, अभी ये मैंने जैसे कि बताया था ये मोबाइल ऑपरेटेड आता है, तो अभी वाइट से हम जाएंगे ब्लू पे, वो वाओ गाइस ब्लू कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फ्लोरिंग पे आप मैट्स की तरफ में देख सकते हो, इवन बॉटल होल्डर्स की साइड पे कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है गाइस ये। देन जाते हैं हम रेड, हम सबका फेवरेट कलर। देन फ्रेंड्स आप इसका कलर चेंज भी कर सकते हो, आप जैसे कि देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है गाइस, मेरे को तो एकदम मज़ा आ रहा है कार में। अगर आपने कोई कार बेसिक मॉडल में ली है तो ये एम्बिएंट लाइटिंग ज़रूर लगाना गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने सब फ्रेंड्स में शेयर कीजिए गाइस, और गाइस गुरु कृपा को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिए गाइस, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, प्लीज चेक इट आउट गाइस। स्टे सेफ, ड्राइव सेफ, पीस आउट।